सफेद रेतों और खूबसूरत कोरल आइलैंड्स का देश मालदीव्स 3 नवंबर 1988 को मीठी नींद में सो रहा था। तभी अचानक बंदूकों और गोलियों की आवाज से मालदीव्स की राजधानी माले सिटी की गलियां सिहर उठी। सड़कों पर अचानक से बंदूक लिए हुए लोग माले की गलियों में घूमने लगते हैं। लूटपाट और चीख की आवाजों से मालदीव्स की राजधानी हिल उठती है। किसी को समझ नहीं आता कि कहां से ये हाईटेक वेपन्स लिए हुए लोग अचानक से मालदीव्स पर कब्जा करने आ गए हैं। दरअसल बड़ी संख्या में कुछ मिलिटेंट्स हाईटेक वेपन्स लेकर शहर में खून खराबा करने उतर पड़े थे। मालदीव्स में चारों तरफ लूटपाट, डर, इनसिक्योरिटी और बदहाली फैल गई। इस रात मालदीव्स से दुनिया के कोने कोने में फोन कॉल्स जाने लगे। मालदीव्स ने भारत को भी एक SOS मैसेज भेजा और इंडिया से मिलिट्री सपोर्ट की मांग की। ये मैसेज भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास आया था, जिनसे मालदीव्स में रातों रात हुए कू अटेम्प्ट को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की मदद मांगी गई थी। मैसेज मिलते ही प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के आदेश पर पड़ोसी देश की रक्षा के लिए भारत ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। ये मिशन था ऑपरेशन कैक्टस, जिसने न केवल इंडियन ओशन में भारत की डोमिनेंसी को साबित किया बल्कि भारत की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। क्या था ऑपरेशन कैक्टस? मालदीव्स में ऐसा क्या हुआ कि भारत को उसकी रक्षा के लिए आना पड़ा? ऑपरेशन कैक्टस का क्या परिणाम रहा और इस ऑपरेशन को क्यों अंजाम दिया गया? इंडियन ओशन की गोद में बसा हुआ मालदीव्स एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसे ट्रेजर आइलैंड भी कहा जाता है। कोरल रीफ से बना ये आइलैंड भारत के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पास इंडियन ओशन में लोकेटेड एक छोटी सी कंट्री है। सिर्फ 5,20,000 पॉपुलेशन वाला ये देश अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद कंसिस्टेंटली वार्म टेम्परेचर्स एंड ब्यूटीफुल व्हाइट सैंड बीचेस के कारण पूरी दुनिया में टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ लगभग 1200 छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। मेनली इस देश के सभी आइलैंड्स रूरल एरियाज में ही काउंट किए जाते हैं। सिर्फ माले सिटी ही यहाँ का एक बड़ा शहर माना जाता है, जो मालदीव्स की राजधानी भी है। वैसे तो साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इंडियन ओशन रीजन्स में मालदीव्स का इम्पोर्टेंस ग्लोबल ट्रेड, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के कारण बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर भारत की बात करें तो हमारा ज्यादातर सी ट्रेड इसी रूट से होकर जाता है। इसके अलावा जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए मालदीव्स भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मालदीव्स का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मालदीव्स में लोगों ने 5th century BC से ही रहना शुरू कर दिया था और यहाँ मेनली भारत और श्रीलंका के लोगों ने आकर पहली बस्ती बसाई थी। रिलीजन की बात करें तो यहाँ मेनली बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता था। बाद में जब इस्लाम का राइज हुआ और दुनिया में इस्लाम का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तब लगभग 1153 CE में यहाँ अरब्स का रूल आ गया, जिसके बाद यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने लगी। हालांकि इसके बाद यहाँ कई रियासतें आई, लेकिन इस्लाम ही यहाँ का डोमिनेंट रिलीजन रह गया। 16th century में जब यूरोपियन ट्रेडर्स एशियन कंट्रीज में कॉलोनाइजेशन शुरू कर रहे थे, तब यहाँ पोर्चुगीज, डचेस और फ्रेंच लोगों ने अपने सेटलमेंट बनाए। हालांकि 19th century आते आते ये देश भी ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। 26th जुलाई 1965 को मालदीव्स को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद मार्च 1968 में रेफरेंडम के थ्रू यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स की स्थापना की गई और इब्राहिम नासिर मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। उस वक्त मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल टेन्योर 4 साल तक की थी, लेकिन इब्राहिम नासिर ने 1972 में मालदीव्स के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके प्रेसिडेंशियल टेन्योर को बढ़ाकर 5 साल कर दिया। इसके बाद नासिर ने दूसरे टर्म की प्रेसिडेंसी में भी जीत हासिल की। इसी दौरान PM के इलेक्शंस भी हुए, जिसमें अहमद जाकी चुने गए। पिछले कई सालों में अहमद जाकी पीपल्स मजलिस के स्पीकर थे। पीपल्स मजलिस मालदीव्स की यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि मालदीव्स की कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख करती है और वहाँ टाइम टू टाइम वहाँ के लॉज को बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और उसे अपडेट करने का काम करती है। पिछले टर्म में जाकी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी और वो वहाँ की जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए थे। इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी नासिर को डराने लगी, उन्हें अपनी प्रेसिडेंसी पर खतरा महसूस होने लगा। इसके बाद मार्च 1975 में ही नासिर के कहने पर एक ब्लडलेस कू में जाकी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मालदीव्स के किसी खाली अटोल में एग्जाइल दे दिया गया।
इस दौरान मालदीव्स की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी खराब होती जा रही थी। फिर 1976 में जब श्रीलंका के मार्केट्स में मालदीव्स की ड्राइड फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस कोलैप्स हो गया, तब वहां की सिचुएशन और बदतर हो गई। पब्लिक एंड ऑपोजिशन पार्टी पूरे देश में नासिर के खिलाफ विरोध करने लगे। देश की बिगड़ती हालत देखकर नासिर ने सिचुएशन बेहतर करने के बजाय 1978 में मालदीव से मिलियन डॉलर्स लेकर सिंगापुर भाग निकला। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि वो मिलियन डॉलर्स पैसा स्टेट ट्रेजरी से निकालकर भाग गया था, जिसके बाद 1978 में यहाँ इलेक्शंस हुए और मामून अब्दुल गयूम मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ मजे की बात यह है कि इस इलेक्शन में गयूम इकलौते प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे, तो जाहिर सी बात है कि इनको हराने वाला कोई कैंडिडेट था ही नहीं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते ही गयूम ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी साल इन्होंने मालदीव्स को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से जोड़ा, देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया। आज मालदीव्स टूरिस्ट के बीच में इतना पॉपुलर है, इसकी नींव गयूम ने ही रखी थी। इनके कोशिशों से मालदीव्स में हालात बदलने लगे थे, फिर भी कुछ लोगों को गयूम की प्रेसिडेंसी खलने लगी थी। इसी वक्त 1980 में नासिर और उसके सपोर्टर्स ने मिलकर गयूम गवर्नमेंट के खिलाफ कू किया, जो कि फेल साबित हुआ। इसके बाद फिर से 1983 में यह अटेम्प्ट दोबारा किया गया, लेकिन इस बार भी गयूम की सरकार बच गई। गयूम की बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके ओपोनेंट्स को खलती जा रही थी। दो बार जब वो कू करने में फेल हो गए, तब उन्होंने फाइनली 5 साल बाद 1988 में तीसरी बार काफी बड़े लेवल पर कू करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें फुल सक्सेस मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी इंडियन आर्मी ने यहाँ आकर पूरा पासा ही पलट दिया। ये कहानी है 3 नवंबर 1988 की। उस दिन मालदीव्स के प्रेसिडेंट मामून अब्दुल गयूम भारत के लिए एक सरकारी दौरे पर निकलने वाले थे और उनकी सेफ जर्नी के लिए इंडियन प्लेन पहले ही भारत से रवाना हो चुका था। अभी ये प्लेन आधे रास्ते में ही था कि राष्ट्रपति गयूम को भारत दौरा रद्द करना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इलेक्शन के चलते दिल्ली से बाहर जाना था, इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रेसिडेंट गयूम ने बातचीत करके इस दौरे को टाल दिया। दौरे के टलने का दुख प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मालदीव्स में कई और भी थे जो 3 नवंबर को प्रेसिडेंट को मालदीव्स की धरती से दूर देखना चाहते थे और इस दौरे के रद्द होने से उनके प्लान पर पानी फिर सकता था। ये लोग मालदीव्स के रिच बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी और पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलाम ग्रुप के मिलिटेंट थे, जो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में मालदीव्स में तख्ता पलट की सारी तैयारियां कर चुके थे। इनका मकसद सरकार के खिलाफ बगावत करके मालदीव की सत्ता पर कब्जा करने का था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए अब्दुल्ला लुतुफी की लीडरशिप में मिलिटेंट्स के समूह पहले ही मालदीव की टेरिटरी में घुस चुके थे। ये सभी मिलिटेंट टूरिस्ट के भेष में स्पीड बोट के जरिए माले पहुंचे थे और मालदीव की सरकार को गिराने के लिए तैयार थे। रात के अंधेरे में सभी मिलिटेंट माले में घुस आए। इन्हें लग रहा था कि प्रेसिडेंट गयूम अब तक भारत पहुंच गए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गयूम अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में ही मौजूद थे। ऐसे में मिलिटेंट्स के पास राष्ट्रपति की मौजूदगी में तख्ता पलट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन पीछे हटने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए प्लौटे के आतंकवादी और अब्दुल्ला लुतुफी इस कू को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वह माले में जगह जगह फैलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक को अंजाम देते हैं और धीरे धीरे माले की सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर उन्हें कंट्रोल में लेना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीविजन टावर्स और रेडियो स्टेशन को सबसे पहले कैप्चर किया जाता है। माले शहर में रह रहे लोगों की रातों की नींद तब उड़ जाती है जब उन्हें घर के बाहर चारों ओर से गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। माले की सड़कों पर हाईटेक वेपन्स लिए ये टेररिस्ट खुलेआम घूमने लगते हैं। घरों में बंद लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। इतने में ये खूंखार मिलिटेंट मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, जहां प्रेसिडेंट गयूम अपने परिवार के साथ मौजूद थे। इनके निशाने पर राष्ट्रपति गयूम होते हैं, जिनकी जान खतरे में होती है। उन तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि उनके खिलाफ कू की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। जब लग ही रहा होता है कि बात हाथ से निकल चुकी है, तभी मालदीवियन नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हरकत में आते हैं और वह प्रेसिडेंट गयूम और उनके परिवार को सही सलामत मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा देते हैं, जहां से उन्हें एक सुरक्षित घर में पहुंचा दिया जाता है। इसी दौरान आतंकी प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर लेते हैं, साथ ही मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को बंदी बना लेते हैं। अब्दुल्ला लुतुफी का मालदीव्स की सत्ता को पाने का सपना अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच जाता है।
हालात जब काबू से बाहर निकल जाते हैं तो राष्ट्रपति के ऑर्डर्स पर मालदीव्स के फॉरेन सेक्रेटरी इब्राहिम ज़ाकी कई देशों से मदद की गुहार लगाते हैं। ब्रिटेन, यूएसए, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर और इंडिया वो देश होते हैं जिन्हें मुश्किल की घड़ी में मालदीव्स प्रेसिडेंट सबसे पहले याद करते हैं, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री इनकेपेबिलिटी को जाहिर करते हुए मदद करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही जवाब मालदीव्स को सिंगापुर से भी सुनने को मिलता है। अगला फोन मालदीव्स से यूएस और यूके को जाता है, लेकिन यूएसए कहता है कि उसका सबसे क्लोजेस्ट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया है जो मालदीव से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में यूएस फोर्स से मदद आने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। वही ब्रिटेन मालदीव्स को भारत से मदद मांगने की सलाह देता है क्योंकि सबसे जल्दी मदद उन्हें भारत से ही मिल सकती थी। इधर मालदीव्स मदद के लिए जब भारत का दरवाजा खटखटाता है तो तुरंत ही जवाब हाँ में आता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी मालदीव्स को हर तरह से सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालदीव्स को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में आर्मी चीफ, रॉ चीफ और सभी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। जल्द से जल्द एक्शन लेना समय की मांग थी, इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी NSG भेजने को कहते हैं। लेकिन तभी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सूरी ने सलाह दी कि इस ऑपरेशन में एयर फोर्स की भी जरूरत होगी, जिसके बाद इंडियन आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को यकीन दिलाया कि ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। ये पहली बार था कि फॉरेन लैंड में एक बड़ा मिशन इंडियन आर्मी को सौंपा गया था। मुश्किल के समय में मालदीव ने भारत को याद किया था, इसीलिए इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स ने दुश्मन के होश ठिकाने लगाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अपने ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी के पास मालदीव्स की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ना तो पूरी जानकारी थी और ना ही सही मैप था, लेकिन इस काम में उनकी सहायता उस समय के मालदीव्स एम्बेसडर AK बैनर्जी ने की जो तब तो भारत में ही मौजूद थे। ऑपरेशन की शुरुआती डेवलपमेंट में AK बैनर्जी से इंडियन आर्मी को बहुत मदद मिली, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि भारत के पास मालदीव्स का मैप नहीं था, इसीलिए इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए कॉफी टेबल बुक और टूरिस्ट मैप का सहारा लिया गया। आर्मी का पहला प्लान ये था कि पैरा ट्रूपर्स प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन इस प्लान के एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मालदीव्स में छोटे छोटे आइलैंड्स थे। ऐसे में संभावना हो सकती थी कि हवा सोल्जर्स को दूसरे आइलैंड्स पर भी ले जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि पैरा ट्रूपर्स प्लेन से ही लैंड करेंगे। इसके अलावा दूसरी समस्या ये थी कि मालदीव्स का माले एयरपोर्ट पूरी तरह मिलिटेंट्स के कब्जे में था, वहाँ इंडियन सोल्जर्स का लैंड करना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मालदीव्स पहुँचने का अब एक ही रास्ता था, हुलहुले आइलैंड। हुलहुले आइलैंड मालदीव्स के राजधानी माले के करीब वाला आइलैंड था और तय किया गया कि इस आइलैंड के रास्ते ही भारत माले शहर में एंटर करेगा। सारी स्थिति को परखते हुए बहुत कम समय में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया, पैरा ट्रूपर्स को तैयार किया गया और इसी के साथ ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। मुश्किल घड़ी में देश को छोड़कर भाग खड़े होने वाला ये राष्ट्रपति अभी भी मालदीव्स को डोमिनेट करने का ख्वाब देखता था और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए इब्राहिम नासिर ने मदद ली, मालदीव्स के रिच बिजनेसमैन और अपने पुराने दोस्त अब्दुल्ला लुतुफी की, जिन्होंने मिलकर 1988 के तख्ता पलट की पूरी साजिश रच डाली थी। लेकिन अब्दुल्ला लुतुफी के लिए इस पूरी साजिश को अकेले अंजाम देना मुमकिन नहीं था, इसीलिए इस काम में उसे साथ मिला श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलाम के नेता उमा माहेश्वरन का, जिन्होंने 3 नवंबर को मालदीव्स के माले शहर में तख्ता पलट के साथ हिंसा का वो मंजर रच डाला जिसे रोकने के लिए भारत के वीर सैनिकों को मालदीव की धरती पर अपना पराक्रम दिखाना पड़ा। 3 नवंबर 1988 की रात को ही इंडियन एयरफोर्स के इल्यूशन 276 एयरक्राफ्ट ने ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में 6th बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के साथ आगरा एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी और इस विमान ने नॉनस्टॉप उड़ते हुए 2000 किलोमीटर की यात्रा तय की। मालदीव्स को भारत से जो मदद की आस थी वह कुछ ही घंटे में उनके पास पहुंचने वाली थी, लेकिन इधर मालदीव में हर गुजरते पल के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। अभी इंडियन प्लेन आधे ही रास्ते पहुंचा था कि ये संभावना भी जताई जा रही थी कि और भी ज्यादा विद्रोही माले आइलैंड पर पहुंच सकते हैं।
हालांकि भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की जानकारी अभी गोपनीय रखी थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी नहीं पता था कि भारत मालदीव्स की मदद के लिए आगे आया है। लेकिन यह जानकारी भी तब सामने आ गई जब ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 276 एयरक्राफ्ट के करीब से गुजरी। इसके कुछ मिनटों बाद ही बीबीसी के जरिए दुनिया जान गई कि भारत मालदीव्स की मदद के लिए निकल पड़ा है। इधर माले में मिलिटेंट्स ने लूट मार शुरू कर दी थी। उनके निशाने पर सबसे पहले बैंक्स थे, जिन्हें लूटने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लोग बुरी तरह डरे हुए थे और शहर में वायलेंस तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही इंडियन आर्मी मदद के लिए मालदीव्स की धरती पर पहुंच चुकी थी। अब प्लानिंग के मुताबिक इंडियन एयरक्राफ्ट ने हुलहुले आइलैंड पर लैंडिंग की। उनका अंदाजा सही था कि प्लॉटे मिलिटेंट हुलहुले आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले ट्रूप्स ने एयरफील्ड को सुरक्षित कर लिया था, जो कि ऑपरेशन कैक्टस का पहला फेज था। दरअसल इस ऑपरेशन को चार फेजेस में बांटा गया था, जिसके तहत दो फेज में एक टीम को माले के साउथ वेस्ट में जाकर प्रेसिडेंट गयूम को सेव करना था, जबकि थर्ड फेज में ये निश्चित किया गया था कि सभी टीम हुलहुले में इकट्ठा होंगे। और इस मिशन का फोर्थ और आखिरी फेज था कि राष्ट्रपति की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा, और आगे हुआ भी ऐसा ही। एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के बाद ही दूसरी टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वह माले को मिलिटेंट से आजाद करे और सबसे पहले प्रेसिडेंट गयूम की सुरक्षा सुनिश्चित करे। फिर दूसरी इंडियन पैराट्रूपर्स की टीम बोट से पहले माले पहुंची और वहां टीम को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक टीम प्रेसिडेंट की तलाश में निकल गई और दूसरी टीम को मिलिटेंट की तलाश में भेजा गया। माले में घुसते ही इंडियन सोल्जर्स जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़े। कुछ जगहों पर पैराट्रूपर्स का सामना मिलिटेंट से हुआ और दोनों ही पक्षों में लड़ाई भी हुई, लेकिन इसमें जीत इंडियन पैराट्रूपर्स की हुई, जो माले के इलाकों को सिक्योर करते आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रेसिडेंट गयूम को सेव करने की थी, और इस काम के लिए भेजी गई टीम को जल्द ही कामयाबी हाथ लगी, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचे और वहां से वह रात के 2 बजे उस सेफ हाउस में भी पहुंच गए जहां प्रेसिडेंट गयूम को छिपाया हुआ था। यहां से राष्ट्रपति गयूम को रेस्क्यू कर उन्हें इस मुश्किल घड़ी में भारत ले जाने की बात भी कही गई। लेकिन राष्ट्रपति गयूम ऐसी स्थिति में अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने भारत जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर्स तक सेफली पहुंचा दिया जाए, और भारतीय सैनिकों ने ऐसा ही किया। सुबह 4 बजे के आसपास वह नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा से पीएम राजीव गांधी को फोन लगाने को कहा। फोन पर अब्दुल गयूम ने राजीव गांधी को इस मदद के लिए धन्यवाद देकर उनका आभार व्यक्त किया। सिर्फ कुछ ही घंटों में इंडिया की जाबाज सेना के नेतृत्व में इस तख्ता पलट की साजिश का पासा ही पलट गया था। यह भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि मिलिटेंट्स अभी भी माले में खुलेआम घूम रहे थे। अब्दुल्ला लुतुफी का कोई अता पता नहीं था और मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर अभी भी मिलिटेंट्स के कब्जे में थे। उन्हें सही सलामत बचाना था और माले को कंट्रोल में लेना इंडियन मिलिट्री के लिए अहम गोल था। माले में इंडियन फोर्सेस जिस तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, उतनी ही तेजी से इंडियन ट्रूप्स की प्रेजेंस की खबर मिलिटेंट्स को भी लग गई थी। दोनों पक्षों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच इंडियन फोर्सेस मिलिटेंट पर भारी पड़ने लगे। तब कई मिलिटेंट मौके से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इनमें से कुछ मिलिटेंट्स को तो इंडियन फोर्सेस ने मौके पर ही बंदी बना लिया और उन्हें मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया। लेकिन माले में कई मिलिटेंट्स अभी भी मौजूद थे, जिन्हें तख्ता पलट की अपनी हर साजिश नाकामयाब होती दिख रही थी। इसलिए इंडियन फोर्सेस से बचने का उनके पास एक ही उपाय था कि वह चोरी छिपे आइलैंड से बाहर निकल जाए। और आगे इन मिलिटेंट्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक किया। इस बोट में मिलिटेंट के साथ अब्दुल्ला लुतुफी भी सवार थे और वह बंदी बनाए गए मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर और 6 हॉस्टेजेस को भी अपने साथ श्रीलंका ले जाने की तैयारी में थे। इधर बीच पर मौजूद इंडियन फोर्सेस ने भी मिलिटेंट्स को आइलैंड से भागते हुए देख लिया था, इसलिए ट्रूप्स ने बोट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। रॉकेट लॉन्चर्स, MMG, स्मॉल आर्म्स फायर से बोट को एम किया गया और इस फायरिंग से बोट को नुकसान भी हुआ था। बोट में हुए 2 छेद की वजह से ये बाएं तरफ झुकने लगी थी, साथ ही साथ बोट की स्टीयरिंग व्हील भी जाम हो गई थी। ऐसे में ये बोट मलाका की तरफ जा रहे जहाजों की तरफ बढ़ रहा था। अगर ऐसा होता तो अब्दुल्ला लुतुफी अपने मिलिटेंट्स के साथ भागने में कामयाब हो जाता और वह इंडियन फोर्सेस के हाथ से निकल जाता, लेकिन भारतीय जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया।
इसी मिशन के बीच अमेरिका की फोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर भी मालदीव्स की मदद के लिए पहुंच गया था। फोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर ने भारत की मदद करने की अनुमति मांगी, लेकिन भारतीय सेना को मदद की जरूरत नहीं थी। हमारे सैनिक पहले ही मालदीव्स को सुरक्षित करने में कामयाब हो चुके थे, इसीलिए अमेरिकन कमांडर को मालदीव्स अधिकारी ने हुलहुले आइलैंड पर आने की इजाजत नहीं दी और इसीलिए अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। इंडियन आर्मी ने अब्दुल्ला लुतुफी के जहाज से भागने की जानकारी जल्द ही इंडियन नेवल बेस को दी, जो पहले से ही सक्रिय थी। इंडियन नेवी की INS गोदावरी और INS बेतवा पहले ही इस ऑपरेशन के लिए मालदीव्स निकल चुकी थी और इसीलिए आगे चलकर हाईजैक बोट का सामना भारत की INS गोदावरी और INS बेतवा फ्रिगेट से हुआ। इस बोट के साथ दोनों इंडियन फ्रिगेट से काफी क्लैशेस हुए। इंडियन नेवी ने बोट पर एक बड़ा हमला किया जिससे नाव का एक हिस्सा टूट गया। पकड़े जाने के डर से कई मिलिटेंट्स पानी में कूदकर जान देने लगे। वहीं इंडियन नेवी ने अब्दुल्ला लुतुफी को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन वह नाव का रास्ता बदलकर भागने की कोशिश करता रहा। इस बार किस्मत ने लुतुफी का साथ नहीं दिया। इंडियन नेवी के सामने अब्दुल्ला लुतुफी को हार माननी पड़ी। इस लड़ाई में 19 मिलिटेंट्स मारे गए, साथ ही दो हॉस्टेजेस की भी जान गई। लेकिन इंडियन नेवी ने जल्द ही हॉस्टेजेस बनाए गए एजुकेशन मिनिस्टर को रेस्क्यू कर लिया। इंडियन नेवी की जाबाजी से एक भी मिलिटेंट भागने में कामयाब नहीं हो पाया। इस कू के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतुफी को पकड़ लिया गया और उसकी तख्ता पलट की साजिश धरी की धरी रह गई। इधर इंडियन एयर फोर्सेस ने अपना कमाल दिखाया और पूरे माले को काबू में ले लिया। इस आखिरी जंग के साथ भारत ने मालदीव्स को पूरी तरह से सेफ कर लिया था। इसी के साथ ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक तौर पर सफल हो गया। ऑपरेशन कैक्टस के सफल होने के साथ ही अब्दुल्ला लुतुफी का मालदीव्स को कैप्चर करने का सपना चकनाचूर हो गया। भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को दुनिया भर ने देखा। ये पहली बार था जब भारत ने फॉरेन लैंड पर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे करने से कई देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया और केवल 18 घंटे में ही उन्हें बड़ी सफलता भी हाथ लगी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के कंट्रीब्यूशन को काफी महत्वपूर्ण बताया। वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने थैंक गॉड फॉर इंडिया भी कहा था। एक तरफ जहां इंटरनेशनल लेवल पर भारत और हमारी सेना को सराहा गया, वहीं साउथ एशिया में श्रीलंका ने भारत के इस कदम को गलत कहते हुए इसे काफी क्रिटिसाइज भी किया था। बहरहाल इसके मिलिट्री सपोर्ट के बाद मालदीव्स में राष्ट्रपति गयूम की सरकार बच गई और अब्दुल्ला लुतुफी को इस राजनीतिक साजिश के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को बदलकर गयूम ने मृत्यु की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। ऑपरेशन कैक्टस भारत और मालदीव्स के रिश्तों के बीच एक ऐसा माइलस्टोन बन गया जिससे भारत और मालदीव्स के रिश्ते और मजबूत हो गए।